उत्तर प्रदेश के बरेली से इस वक्त की खबर आ रही है। बरेली में सगे देवर ने भाभी को पीट पीट कर मार डाला, मचा कोहराम। आपसी रंजिश के चलते सगे देवर ने अपनी भाभी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरा मामला बरेली के थानाशाही क्षेत्र के गांव कुलछा गौटिया का है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव कुलछा गौटिया में उस समय हड़कंप मच गया जब किसान नेता लाखन राम की पत्नी नत्थो देवी की रंजिश में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब नत्थो देवी चाय की पत्ती व राशन का सामान खरीदने जनरल स्टोर जा रही थी। बताते हैं कि लाखन राम का अपने भाई से पुराना विवाद चल रहा था, जिसकी बरेली कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। लाखन राम का भाई और उसके बेटे नत्थो देवी पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे, लेकिन नत्थो देवी किसी हालत में मुकदमा वापस लेने को तैयार नहीं थी। आरोप है कि इसी रंजिश में नत्थो देवी की सगे देवर और देवरानी सहित दो बेटों ने लाठी डंडों और लात घूसों से जमकर मारा पीटा, जिसके चलते नत्थो देवी की मौत अस्पताल ले जाते समय हो गई। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट में। थाना शाही के अंतर्गत कुलछा गांव पड़ता है, वहां पर एक 50 वर्षीय महिला नत्थो देवी है। उसको उसी के जो सगे देवर और देवरानी और उनके दो बेटों के द्वारा मारपीट की गई उनके साथ, जिसमें कि जो महिला है उनकी चोट लगने से मृत्यु हुई है। इसमें वादी पक्ष के द्वारा 302 धारा के अंतर्गत मुकदमा की तहरीर दी गई है, जिसमें चार लोगों को नामजद किया गया, जिसमें से पुलिस के द्वारा दो लोगों को पकड़ लिया गया है और अन्य दो को पकड़ने का प्रयास चल रहा है।